किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों के समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल। तभी तो कोपल कहता है, आप रखे किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो। भूली के बीसीसीएल आवास का छत गिरने से दो लोग हुए गंभीर चोटिल। विजय सिन्हा, वरीय संवाददाता, धनबाद। भूली एशिया के सबसे बड़ी श्रमिक नगरी भूली डी ब्लॉक सेक्टर 9A क्वार्टर नंबर 117 में बीसीसीएल के द्वारा बनाया गया है। आवास का छत गिर जाने से नीचे तल्ले में रह रहे मनोज परवाना तथा उनकी पत्नी बबली रानी और उनकी बेटी अर्पिता सिंह को गंभीर चोट आई है। आपको बताते चले कि कल संध्या लगभग 5 बजे घर के लोग अपने मकान पर विश्राम अवस्था में थे, तभी अचानक तेज आवाज के साथ छत गिर गया अर्पिता सिंह तथा उनकी मम्मी बबली रानी के ऊपर। उन्हें गंभीर चोटें भी आई। आनन फानन में उनके पिता के द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए धनबाद के केंद्रीय चिकित्सालय जगजीवन नगर में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी स्थिति नियंत्रण में है। भूली में ऐसी घटना प्राय देखने को मिलती है। यहाँ बीसीसीएल की सभी क्वार्टर जर्जर अवस्था में है। क्वार्टर के आसपास बड़े बड़े पेड़ पौधे तथा घास फूस जमे हुए रहते हैं, मगर इसकी देखरेख करने वाले भूली बीटीए प्रशासक नहीं करते हैं। अगर भूली के बीटीए प्रशासक इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आए दिन एक बड़ी घटना का संकेत दिख रही है। वहीं भुक्तभोगी का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधक का बहुत बड़ी लापरवाही बताया। उन्होंने कहा कि कई बार जर्जर आवास की सूचना बीटीए प्रबंधक को मालूम है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज इतनी बड़ी घटना होने से बाल बाल बच गए। वहीं स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि रंजित कुमार उर्फ बिल्लू ने कहा कि मैं भूली की जर्जर आवास का मुद्दा हमेशा उठाया हूं और भूली बीटीए को इस मामले से अवगत भी कराया हूं। आज की इस घटना को लेकर भुक्तभोगी से एक आवेदन लिखवाकर इस मुद्दे को आज मैं भूली के प्रशासक को अवगत कराऊंगा और अगर इस मामले को अनदेखी करते हैं तो उग्र आंदोलन के लिए तैयारी भी करूंगा। ये कहना क्या है, सारा क्वार्टर बीसीसीएल के अंडर में है और बीसीसीएल के प्रबंधक को 3-4 बार का वार्ता हो चुका है, चाहे वो ट्रेड यूनियन के माध्यम से हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीतिक कार्यकर्ता, सभी लोगों ने बात, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। मैंने भी 4-7 को यही इसी पिछले मंथ ही 4-7 को हमने आवेदन दिया था कि जितने भी बीसीसीएल के क्वार्टर हैं उनको चिन्हित करके रिपेयरिंग किया जाए, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है। तो हमको लगता है कि कल परसों हम लोगों ने बात किया था तो बोला था कि एक बैठक करके हम लोग चिन्हित करेंगे। अगर इस पे बीसीसीएल के व्यक्ति कार्रवाई नहीं करते, अधिकारी पदाधिकारी ध्यान नहीं देते हैं, तो मजबूरन हम लोग को आंदोलन का रूप अख्तियार करना पड़ेगा। प्लस सांसद विधायक को भी हम लोगों ने चिट्ठी लिखा था कि इसका स्थायीकरण किया जाए, जिसका भी मापदंड चिट्ठी रखा हुआ है। कई लोगों ने इस पर बात भी किया था तो वो भी समाधान नहीं हो रहा है। निगम भी अपना हाथ इसलिए खींच ले रहा है कि ये बीसीसीएल क्षेत्र है, अभी हाल में ही देखें कि जब तक एनओसी नहीं देंगे काम नहीं होगा। तो ये नेताओं का जो भाषण है जिसमें आप हमको भी शामिल कर सकते हैं, इससे नहीं चलेगा। हम आश्वस्त करते हैं कि 15 अगस्त के बाद इस पर ठोस कार्रवाई होगा। तब तक व्यक्ति को भी बोलेंगे कि जो रह रहे हैं आप थोड़ा बहुत कम से कम एटलीस्ट छत को रिपेयरिंग कराएं, बाहरी दीवारों को छोड़ दे, अगर नहीं होता है तो बीसीसीएल के बीटीए पे दबाव डाल के करवाएंगे। अभी जो चोटिल हुए हैं इस घटना से आगे क्या कार्रवाई करवाएंगे, क्या मुआवजा दिवाने काम करेंगे? देखिए, मुआवजा तो बीसीसीएल नहीं देगी, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है, लेकिन इनसे मेरा रिक्वेस्ट यही हुआ कि आप आज का आज आवेदन दीजिए। अगर आपका 15 से 20 दिन के अंदर इस पे कार्रवाई नहीं होता है तब हम लोग इस पे आंदोलन करके इनको उचित न्याय दिलाने का काम करेंगे। भूली की जन समस्या सबसे बड़ी है, जर्जर आवास नाली इस समस्या को लेकर के काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, आए दिन घटना घटते हैं, इनके बच्चे भी चोटिल हुए हैं, इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? दोनों का गलती है, सर्वप्रथम रहने वाला का भी गलती है। आप बरसों से रह रहे हैं, 50 साल 40 साल 30 साल से रह रहे हैं, आप अगर अपने क्वार्टर का मरम्मती नहीं करेंगे तो थोड़ा तो होगा। बाहरी दीवार हम तो बोले कि बाहर या छत बड़े बड़े जो है आप देखें ना, पूरे जगह पे घास टाँस सब उखा हुआ, इसको थोड़ा सा कराइए और बाकी काम हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए। हम लोग इसको करके लड़ के जैसे भी हो, जैसे नाली बोले ये हम लोग हमारा काम है कि इसको किसी तरह एन केन परकेन करवाना, ये हम जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन जहाँ आप अंदर में रह रहे हैं, आपका क्वार्टर घर एकाएक तो गिरता नहीं है, देख रहे हैं कि अगर जर्जर अवस्था में आप आवेदन दीजिए, उसका कॉपी हमको दीजिए, हम आपका बीटीए से करवाने का जिम्मेदारी लेते हैं।
जो है सीलिंग का छत जो है ना वो गिरकर हमारे वाइफ को जो है ना बहुत जोर से जख्मी कर दिया, बच्ची को भी चोट लगी है। इसकी सूचना स्थानीय प्रशासक को दिए हैं? नहीं, इधर तो नहीं दिए हैं, पहले दिए थे जिसमें हम प्रवेश किए थे इस क्वार्टर में, उस समय दिए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम सोचे कि BTM कुछ होता ही नहीं तो क्या देकर करेंगे। अभी अपने वाइफ को किस अस्पताल में एडमिट कराया? मैं अपनी पत्नी को केंद्रीय चिकित्सालय धनबाद में एडमिट कराया है। अभी उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति अभी सामान्य है, स्टिच किया हुआ है। क्या लगता दर्द है? क्या लगता है BCCL का लापरवाही इसमें क्या दिखता आपको? लापरवाही तो BCCL इसमें कुछ ध्यान ही नहीं देता है, इसलिए हम लोग भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्या बोलेंगे, बोलना भी गुनाह हो जाता है।